अक्षर नकवी का सलाम। दोस्तों आज हमारी सेलमैनशिप की कुछ ट्रेनिंग चल रही थी जो आज फिनिश हुई है, तो आज एक अनफॉर्मल सी हमारी गैदरिंग हुई जिसमें एक ज़बरदस्त से एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर किया हमने। एक्सपीरियंस शेयर करने की में एक ज़बरदस्त इंस्पिरेशनल स्टोरी मुझे मिली तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करना बनता है। ये स्टोरी शेयर करने से आप तमाम दोस्तों को इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी जो सेलमैन है कि वो कहेंगे कि यार मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसमें हम सेलमैन की जो सेलमैन कोई भी सेलमैन है उसकी जो जो एबिलिटीज़ हैं, जो जो उसकी जिम्मेदारियाँ हैं या जो चीज़ें हैं उसको इस छोटी सी स्टोरी में बयान करते हैं। अगली अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना ये छोटा सा प्रोग्राम स्टार्ट करूँ, मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मुंबशर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती है। स्टे ट्यून्ड विद मी। दोस्तों जब हम अनफॉर्मल सी मीटिंग में बैठे थे तो एक मेरा फ्रेंड ऑफ फ्रेंड कहता है, मुझे स्टोरी शेयर करता है, कहता है यार मेरा एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड फैमिली सर्कल में है, ही वाज सेलमैन इन पाकिस्तान 8 to 9 ईयर्स। उसके बाद उसका जैक लग गया, जैकपॉट लगा, वो कैनेडा चला गया। कैनेडा जाकर उसने इंटरव्यूज दिए मुख्तलिफ जगह पे, तो एक सुपर स्टोर में इंटरव्यू कॉल आया तो उसने कहा जी कि आप बुलाया इसको, तो इसने कहा जी कि आपके सीवी में लिखा हुआ है कि आप सेलमैन ही करते रहे हैं 8-9 साल लेकिन कोई पॉजिटिव कोई अच्छा सा रिजल्ट नहीं है। तो बहरहाल मुझे आप पसंद आए हैं, आप एशियन हैं, तो ठीक है मैं आपको रख रहा हूँ, कल से आप ज्वाइन कर लें, लेकिन एक चीज़ याद रखें मेरे सेलमैन ज़बरदस्त इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, मुझे आपसे आउटपुट चाहिए, अदरवाइज़ आपको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। इतनी सी बात हुई तो उसके बाद वो क्या बना है कि सेलमैन जो था उसी दिन शाम में जब मालक आया वापस अपना सुपर स्टोर का, उसने कहा जी क्या रिजल्ट आया, सबसे पूछता रहा कितना 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 कितना, किसने का 15, किसने का 20, किसने का 30 सेल्स आई हैं, मैक्सिमम 32 सेल्स वाला। जब इसकी बारी आई इससे पूछा कितनी सेल की है, इसने कहा एक। बड़े एंग्री बन के, व्हाट, एक क्या एक, मैंने इसलिए रखा तुम्हें, ओ गॉड एट माय फॉल्ट, मुझे रखना ही नहीं चाहिए। उसके बाद वो बड़ा एंग्री सा हो गया, उसको कहता है ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अपनी सेल बढ़ाओ, मेरा सेलमैन 25-30 सेल्स करता है। वो बड़ा शर्मिंदा सा, तो वो मेरा दोस्त मुझे बता रहा है, आज ही उसने बताया तो आज ही मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। वो मुझे कहता है कि सर, उसके बाद अगले लम्हे उसने पूछा कि कितनी सेल की है तुमने, वो कहता है सर 950,709 डॉलर की। वो देखने के साथ कहता है व्हाट, कितनी सेल की है तुमने, वो कहता है सर 950,709 रुपए की। वो बड़ा हैरान होता और खड़ा होता है, कहता है वाओ, उठ के उसको हक कर लेता है, उसको कहता है यार कमाल हो गया, माइंड ब्लोइंग, उसका हेड चूमता है यार। जब ये सारा स्टेटस हुआ तो सेलमैन खुद बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा क्या सेल किया तुमने, एक सेल और 9.5 लाख, वो कहता है 9.5 लाख डॉलर की। वो कहता है सर मैंने मेहनत की है, क्या सेल किया यार, वो कहता है सर एक शख्स आया, उसने मेरे से कहा जी कि मैंने ये अपना, उसको 2 दिन कॉर्ड सेल की है, मैंने उसकी फिशिंग की, और उसके बाद मैंने उससे पूछा कि क्या करना चाहते हैं सर, आप फिशिंग कहाँ करेंगे, उसने कहा कि जी मैं फिशिंग करने ज़्यादा जाऊँगा बस, ठीक है। उसने कहा सर कहाँ करेंगे, दरिया में या समंदर में, उसने कहा समंदर में, तो कहता सर उसके लिए आपको बोट चाहिए, तो कहता हाँ बोट खरीदने में, कहता हाँ बोट सेक्शन में ले गया, एक बोट उसको दे दी मैंने। उसके बाद मैंने, आप इसको जल्दी से कंप्लीट करो, कहता सर फिर क्या एक्सपेरियंस किया, कहता सर उससे मैंने पूछा कि आप मिड ऑफ समंदर में करें गहरे समंदर में करेंगे, कहता गहरे समंदर में, तो कहता सर मैं उसको गहरे समंदर में उसको बोट लेके दी, जब बोट दिया तो फिर मैंने उसे कहा कि सर ये बोट आपसे नहीं जाएगी गाड़ी पे, इसके लिए एक लदा से गाड़ी चाहिए, कहता उसने लदा से गाड़ी ली है। उसके बाद उसको ले गया हूँ कि सर आप कहाँ तक करेंगे इसकी, आप अब किसी जगह पे रहेंगे या फिर अपना उधर लेंगे कोई खेमा ले लेंगे, हाँ वो कहता कि यार खेमा ले लेंगे इंजॉयमेंट और पड़ जाएगी, कहता सर मैं उसको बताता जो वो लेता गया। उसके बाद मैंने कहा सर इसकी आपने फिश पकाना है उसके लिए ज़बरदस्त मॉल, तो ऐसा करके कहता मैंने सर उसको 9.5 लाख डॉलर की सेल्स की है, तो कहता यार बड़े कमाल के बंदे हो यार तुम, एक शख्स फिशिंग के लिए आया 9.5 लाख डॉलर, कहता नहीं सर फिशिंग के लिए नहीं आया, सबसे कामयाब चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे रुक के मैं आपको बताता हूँ सेलमैन की क्या क्वालिटीज़ हैं। सेलमैन की क्वालिटी, वो डेडिकेटेड होता है, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होता है, वो एक्स्ट्रा इमोशनल होता है,
वो डेडिकेटेड होता है, हार्ड वर्कर होता है, उसको पता होता है कि क्लाइंट को कस्टमर को क्या चीज चाहिए, उसकी उसकी जिम्मेदारी में शामिल है कि वो अपने कस्टमर क्लाइंट को बताए कि सर दिस इज योर नीड, इस पोर्शन में आपकी पसंद की चीजें पड़ी हैं, इस ये चीजें आपको चाहिए जो आप ले सकते हैं। तो वो सर मैंने किया है, इट वॉज माई ड्यूटी। जब उसने ये किया है तो माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आया, $9.5 लाख की सेल की उसने। यहाँ पे जाके फिर वो सेलमैन क्या कहता है, कहता है सर वो फिशिंग के लिए नहीं आया, वो सिर्फ आया था कि सुपर स्टोर पे मुझे सरदर्द की गोली दे दे, और मैंने उसको बताया कि सरदर्द की बजाय आपको तो ये चीजें चाहिए। एक सेलमैन दुनिया का वो शख्स है जो कभी भूखा नहीं मरता, सेलमैन वो शख्स है जो कभी नाकाम नहीं होता, सेलमैन वो शख्स है जो हमेशा कामयाब होता है, और उसकी कामयाबी के लिए उसमें ये गुण होने चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि उसका क्लाइंट क्या है, उसको पता होना चाहिए जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उसकी क्या क्या लिमिट्स हैं, वो क्या चीज़ है। ओके गाइस, अगली वीडियो तक अपने होस्ट बच्चन नकवी को जल्दी।